everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on relevant costing. So, a company had nearly completed a job relating to construction of a specialized equipment when it discovered that the customer had gone out of business. At this stage, the position of the job was as under. Ek company ne ek job ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था, एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट बनाना था, उसका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था जब उसको पता चला कि दैट कस्टमर हैज गॉन आउट ऑफ बिजनेस. अब वो क्या हमारा वो इक्विपमेंट स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट नहीं लेगा, राइट? और जिस स्टेज पे उसको ये पता चला तो पोजीशन जॉब की ऐसे थी कि ओरिजिनल कॉस्ट एस्टिमेट था 1,75,200, उसमें से 1,48,500 का कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो चुका था और जो कॉस्ट इनकर होने वाला था वो है 29,700. प्रोग्रेस पेमेंट कितनी रिसीव हुई थी कस्टमर से? 1 लाख रुपीस की, राइट? बेसिकली आपको बात समझ में आई कि हम एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे एक कस्टमर के लिए और वो कस्टमर हैड गॉन आउट ऑफ बिजनेस. अब वो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट नहीं खरीदेगा और जिस पॉइंट पे हमको ये पता चला उस पॉइंट पे हमारा ओरिजिनल कॉस्ट एस्टिमेट में से इतना हम ऑलरेडी कॉस्ट लगा चुके थे 1,48,500. 29,700 का कॉस्ट लगाना बाकी था और हमको कस्टमर से 1 लाख रुपए की पेमेंट ऑलरेडी आ चुकी थी. आफ्टर सर्चेस A new customer for the equipment has been found. He is interested to take the equipment if certain modifications are carried out. लेकिन बहुत ढूंढने के बाद अब हमने कॉस्ट तो लगा दी, अब वो फालतू रखा हुआ है स्पेशल इक्विपमेंट हमारा. बहुत ढूंढने के बाद हमको एक नया कस्टमर मिला, वो इंटरेस्टेड था वो इक्विपमेंट लेने के लिए, लेकिन उसको थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ लेना चाहता था, विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस. द न्यू कस्टमर वांटेड द इक्विपमेंट इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन बट विदाउट इट्स कंट्रोल डिवाइस एंड विद सर्टेन अदर मॉडिफिकेशन. नए कस्टमर को ओरिजिनल कंडीशन में ही स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए था, लेकिन उसको क्या नहीं चाहिए था, उसमें कंट्रोल डिवाइस नहीं चाहिए था और कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए थे उस इक्विपमेंट में, राइट? कंट्रोल डिवाइस नहीं चाहिए और कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए. द कॉस्ट ऑफ दीज एडिशंस एंड मॉडिफिकेशंस आर एस्टिमेटेड एज अंडर. जो उसको मॉडिफिकेशन चाहिए उस इक्विपमेंट में उसकी कॉस्ट दी हुई है. डायरेक्ट मटेरियल एट कॉस्ट 1,050. डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट ए में 15 मैन डेज लगेंगे मॉडिफिकेशन के लिए, डिपार्टमेंट बी में 25 मैन डेज लगेंगे. वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस इन ईच डिपार्टमेंट और डिलीवरी कॉस्ट लगेगी 1,350. बेसिकली आपको डायरेक्ट मटेरियल लगेगा मॉडिफिकेशन के लिए, डायरेक्ट वेजेस लगेंगे दोनों डिपार्टमेंट में, वेरिएबल ओवरहेड लगेगी 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस ऑफ बोथ द डिपार्टमेंट्स और डिलीवरी कॉस्ट लगेगी 1,350 की. फिक्स्ड ओवरहेड विल be absorbed at 50% of direct wages in each department. हर एक department में fixed overhead कैसे absorb होंगे? 5% of direct wages, right? The following additional information is available. अब आपके पास information दी हुई है. Basically अभी तक आपने क्या देखा कि हम इतना cost लगा चुके हैं already, ठीक है? इतना लगाने के हैं, इतनी payment मिली है और इस point पे हमको पता चला कि जिसके लिए हम special equipment बना रहे हैं वो customer out of business हो गया. हमने नया customer ढूंढा, उसको सिर्फ control device नहीं चाहिए equipment का और कुछ modification चाहिए. Modification में क्या cost लगेगी? Material, labor, variable overhead, delivery cost ये दिए हुए हैं. अब आगे Following additional information is available. The direct material required for the modification are in stock and if not used for the modification of this order, they will be used in another job in place of material that will now cost ₹2,250. अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ठीक है जो मटेरियल की कॉस्ट है वो है 1,050, वो तो क्या हो गई? संक कॉस्ट हो गई, ठीक है? इस पे हमने खरीदा था, लेकिन अभी क्या है जो डायरेक्ट मटेरियल मॉडिफिकेशन के लिए लगेंगे वो क्या है? स्टॉक में है. खरीदा था तब कितने में आए थे? 1,050 रुपए में, लेकिन उससे मतलब नहीं है वो संक कॉस्ट है. अभी क्या है वो स्टॉक में है और अगर वो ये स्पेशल इक्विपमेंट के लिए यूज नहीं होंगे तो कहाँ यूज होंगे? एक अनदर जॉब में यूज होंगे जहाँ In place of material that will now cost 2,250. मतलब अगर वो special equipment में use नहीं हुए तो वो एक दूसरे job में use होंगे. किस material की जगह? जिसकी cost कितनी है? 2,250.
मतलब बेसिकली यही है ना कि अगर हम ये मॉडिफिकेशन नहीं करते, अगर हम ये मॉडिफिकेशन नहीं करते तो वो कहाँ यूज़ होगा, जिस मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 2250 है, मतलब अगर हम ये यूज़ नहीं करते तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है 2250। हमारे यहाँ यूज़ करने से 2250 का मटेरियल वहाँ हमको खरीदना पड़ेगा, राइट, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है 2250। ये रिप्लेसमेंट वैल्यू अदर मटेरियल की, वो जो दूसरा मटेरियल वहाँ यूज़ होगा उसकी आज की कितनी है कॉस्ट 2250। अगर हम मॉडिफिकेशन में इसको यूज़ नहीं करते तो 2250 वहाँ एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसकी मटेरियल की। डिपार्टमेंट ए इज वर्किंग नॉर्मली एंड हेंस एनी एंगेजमेंट ऑफ लेबर विल हैव टू बी पेड एट द डायरेक्ट वेज रेट ऑफ ₹120 पर मैन डे। मतलब डिपार्टमेंट ए नॉर्मली वर्क कर रहा है, स्पेयर कैपेसिटी भी थोड़ी है, इसलिए क्या वहाँ पे अगर कोई भी नया लेबर लेते हैं तो उसको कितना पे करना है, ₹120 पर मैन डे पे करना है डिपार्टमेंट ए में। डिपार्टमेंट बी इज एक्सट्रीमली बिजी, इट्स डायरेक्ट वेज रेट इज ₹100 पर मैन डे एंड इट इज करेंटली यील्डिंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹3.20 पर रुपी ऑफ डायरेक्ट वेज। देखिए डायरेक्ट ए नॉर्मली वर्क कर रहा है, वहाँ पे स्पेयर कैपेसिटी है, वहाँ पे ₹120 पर मैन डे डायरेक्ट वेज रेट है। डिपार्टमेंट बी क्या है, एक्सट्रीमली बिजी है, वहाँ पे कोई भी स्पेयर टाइम नहीं है, वहाँ लगता है ₹100 पर मैन डे और वो करेंटली यील्ड कितना कर रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन ₹3.20 पर रुपी ऑफ डायरेक्ट वेजेस। देखिए एक्सट्रीमली बिजी है, वहाँ पे अगर हमने वो लेबर को अपने मॉडिफिकेशन के लिए लगाया तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस कितना होगा, ₹3.20 पर रुपी ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, आपको समझ में आई। डायरेक्ट डिपार्टमेंट ए नॉर्मली वर्क कर रहा है तो ₹120 पर मैन डे लगेंगे, डिपार्टमेंट बी में ₹100 पर मैन डे तो लगेंगे लेकिन हमारे मॉडिफिकेशन में यूज हो रहे हैं उसके वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन का लॉस हो रहा है ₹3.20 पर रुपी ऑफ डायरेक्ट वेज, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हमारे मॉडिफिकेशन में यूज हो रहा है तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन वो अर्न नहीं कर पा रहे हैं ₹3.20 पर रुपी ऑफ डायरेक्ट वेज, राइट। नाउ सुपरवाइजरी ओवर टाइम पेबल फॉर द मॉडिफिकेशन इज ₹1050। ओवर टाइम के मॉडिफिकेशन के लिए ओवर टाइम पे करना है ₹1050। द कॉस्ट ऑफ द कंट्रोल डिवाइस दैट द न्यू कस्टमर डज नॉट रिक्वायर इज 13,500। इफ इट इज टेकन आउट इट कैन बी यूज इन अनदर जॉब इन प्लेस ऑफ अ डिफरेंट मैकेनिज्म, ठीक है। जो कंट्रोल डिवाइस उस कस्टमर को नहीं चाहिए, न्यू कस्टमर को, उसकी कॉस्ट कितनी है 13,500, ये तो संक हो गई, पहले उसको 13,500 में खरीदा था लेकिन अगर उसको वहां से निकाल लेते हैं स्पेशल इक्विपमेंट से तो वो एक दूसरे जॉब में लग जाएगा। द लेटर मैकेनिज्म हैज अदरवाइज टू बी बॉट फॉर ₹10,500। अगर वो जो जॉब में लग जाएगा ये कंट्रोल डिवाइस, वहां पे अगर ये स्पेशल इक्विपमेंट से निकाल के अगर वहां नहीं लगाते तो वहां पे वो इक्विपमेंट खरीदना पड़ता है 10,500 का। द डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल ऑफ द कंट्रोल मैकेनिज्म विल टेक वन मैन डे इन डिपार्टमेंट ए। मतलब देखिए अभी क्या होगा, 13,500 में हमने उसको खरीदा था तो ये तो आप देखिए संक कॉस्ट है ये, लेकिन यहाँ से निकल के एक दूसरे जॉब में यूज हो जाएगा जहाँ यूज हुआ, अगर ये यहाँ से नहीं निकाला होता, वहाँ नहीं लगाया होता तो वो इक्विपमेंट वहाँ खरीदते हम 10,500 रुपीज़ में। मतलब बेसिकली 10,500 रुपीज़ हमारी कॉस्ट सेविंग है। क्यों कॉस्ट सेविंग है मैम? ऑफकोर्स कॉस्ट सेविंग है, यहाँ से नहीं निकालते मॉडिफिकेशन के वजह से, न्यू कस्टमर को देने की वजह से कॉस्ट सेविंग है 10,500 की। क्यों? अगर यहाँ से नहीं निकालते हम और वहाँ नहीं लगाते नए जॉब में तो 10,500 हमारे खर्चा होने वाले थे वो अब नहीं होंगे क्योंकि हमने ये पुरानी जगह से निकाल के नई जगह पे उसको लगा दिया है। 10,500 की कॉस्ट सेविंग है। पूरी कॉस्ट सेव हो जाएगी क्या? नहीं, इतनी कॉस्ट सेविंग है लेकिन वन मैन डे लगेगा डिपार्टमेंट ए में उस कंट्रोल डिवाइस को वहाँ से निकालने के लिए, ठीक है। तो इतने एक्सपेंस माइनस कर देंगे, 10,500 कॉस्ट सेविंग है और वन मैन डे डिपार्टमेंट ए में लगेगा, यानी कितना, वन मैन डे ₹120, ये इससे माइनस कर देंगे, उतनी क्या होगी हमारी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। समझ में आ गया आपको? अब मैम इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए ये जो है यहाँ पे जो मटेरियल हमारा यहाँ पे स्टॉक में था और अगर ये मॉडिफिकेशन में यूज़ नहीं होता तो कहीं और यूज़ होता, और जहाँ ये फर्स्ट बता रही हूँ, राइट, अगर ये स्टॉक में है मटेरियल, ठीक है, अगर वो इस मॉडिफिकेशन में जो नए कस्टमर के लिए कर रहे हैं उसमें यूज़ नहीं होता तो कहीं और यूज़ होता जहाँ कितना 2,250 का मटेरियल खरीदना पड़ेगा अब, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 2,250। क्यों? मॉडिफिकेशन में यूज़ होने के वजह से, न्यू कस्टमर के वजह से 2,250 रुपीज़ अभी
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो, ठीक है, वो लगाना पड़ेगा। लेकिन न्यू कस्टमर की वजह से, कंट्रोल डिवाइस का बता रही हूँ, क्या होगा, न्यू कस्टमर की वजह से अब ये जो 10,500 रुपए लगने वाले थे वो अब नहीं लगेंगे, वो यहाँ न्यू कस्टमर को कंट्रोल डिवाइस नहीं चाहिए, वहां से निकाला, दूसरे जॉब में लगाया, तो कॉस्ट सेविंग हो गई 10,500 की, लेकिन उसमें एक्सपेंस हुआ 1 मैन डे का, राइट, तो वो उसमें से माइनस कर देंगे। समझ में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब ये नए कस्टमर की वजह से 2,250 एक्स्ट्रा वहां लग गए, ठीक है, अगर यहाँ यूज नहीं होता तो वहां यूज होता, पर अब यहाँ यूज हो रहा है तो वहां 2,250 लग गए न्यू कस्टमर के वजह से, यहाँ पे कॉस्ट सेविंग हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर न्यू कस्टमर नहीं होता तो कंट्रोल डिवाइस निकालते नहीं, और 10,500 जो लगने वाले थे वो अब नहीं लगेंगे न्यू कस्टमर के वजह से, और माइनस 1 मैन डे, ठीक है। If the conversion is not carried out, some of the material in the original equipment can be used in another contract in place of material that would have cost ₹12,000. अगर ये कन्वर्शन नहीं होगा, ये मॉडिफिकेशन नहीं होगा, तो क्या उसमें से कुछ मटेरियल ओरिजिनल इक्विपमेंट के यूज हो जाएंगे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में, कौन से मटेरियल की जगह, जिसका कॉस्ट कितना है 12,000। अगर ये मॉडिफिकेशन और कन्वर्शन नहीं होगा तो ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट है, स्पेशल इक्विपमेंट, उसके मटेरियल ऐसी जगह यूज हो जाएंगे जहां कितने के मटेरियल लगते हैं, 12,000 के मटेरियल लगते हैं। It would have taken 2 man days of work in Department A to make them suitable for this purpose. The remaining material will realize 11,400 as scrap. The drawings which are included as part for this job can be sold for ₹1,500. बेसिकली देखिए, अगर यह मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा होता नए कस्टमर के लिए, तो जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है उसके कुछ मटेरियल तो वहां लग जाते जहां ऑलरेडी हम मटेरियल खरीदते किसके 12,000 के, राइट, और उसमें हमको कितने लगते हैं उस मटेरियल को जो स्पेशल इक्विपमेंट में है सूटेबल बनाने उस नई जगह के, 2 man days लगते, ठीक है, इन डिपार्टमेंट ए, राइट। और जो रिमेनिंग मटेरियल है थोड़ा बहुत, कुछ मटेरियल तो चलो 12,000 की जगह लग गया, और जो रिमेनिंग मटेरियल है 11,400 में एज ए स्क्रैप भेज देते, और जो ड्राइंग है वो 1,500 में भेज देते, ठीक है। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द मिनिमम प्राइस विच द कंपनी कैन अफोर्ड टू कोट फॉर द न्यू कस्टमर एज स्टेटेड बिलो। अब आपको मिनिमम प्राइस बताना है जो कंपनी अफोर्ड कर सकती है, मिनिमम प्राइस, उससे ऊपर कितने में भी बेचे। तो सबसे पहले तो देखिए कि ओरिजिनल कॉस्ट एस्टीमेट दिया हुआ है, कॉस्ट इनकर्ड सो फार, इससे हमको कोई मतलब नहीं है कितना कॉस्ट लग गया अभी तक, दैट इज सम कॉस्ट। क्यों? क्योंकि देखिए, आज हमको पता चला कि दैट कस्टमर हैज गॉन आउट ऑफ बिजनेस, तो जितना भी कॉस्ट लगा है वो तो सम कॉस्ट है। अगर नया कस्टमर नहीं मिलता तो वैसे भी वो कॉस्ट तो लग ही गया था, अब इस कॉस्ट का कुछ नहीं कर सकते, कॉस्ट इनकर्ड सो फार इज सम कॉस्ट। नया कस्टमर नहीं मिलता तो भी उस कॉस्ट का कुछ नहीं कर सकते, तो उसको छोड़ो, ठीक है, कॉस्ट टू बी इनकर्ड को देखो कि ये कॉस्ट अभी लगाएंगे तो क्या, अब मिनिमम प्राइस निकालना है, क्योंकि ये कॉस्ट लगाने का है, जो कॉस्ट लग गया है वो तो नया कस्टमर मिले या ना मिले वो तो लग ही गया है, वो तो संग कॉस्ट है, राइट। तो नया कस्टमर के मिलने के बाद आप जो जो कॉस्ट लगाने वाले हैं वो देखेंगे और फिर मिनिमम प्राइस डिसाइड करेंगे, राइट। मिनिमम प्राइस का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लिख लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ मिनिमम प्राइस, कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कॉस्ट टू बी इनकर्ड 29,700, ठीक है। इसके बाद अब देखिए कौन कौन सी कॉस्ट लगेगी, 29,700 तो लग गया, उसके बाद आपको क्या बोला हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल मॉडिफिकेशन चाहिए नए कस्टमर को, तो उसके लिए पहले तो ये जो कॉस्ट लगने वाली है वो तो लगेगी 29,700, ये अब ओरिजिनल कंडीशन में आ गया स्पेशल इक्विपमेंट। अब इसके बाद दो चीज बोली है, कंट्रोल डिवाइस निकालो और मॉडिफिकेशन करो, तो मॉडिफिकेशन के लिए क्या, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कौन से कॉस्ट पे लेंगे, सम कॉस्ट पे तो लेंगे नहीं, राइट, सम कॉस्ट पे नहीं लेंगे, कौन से कॉस्ट पे लेंगे, 2,250 रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। क्यों? क्योंकि अगर मॉडिफिकेशन नहीं होता तो वो वहां यूज हो जाता जहां मटेरियल का कॉस्ट है 2,250, डायरेक्ट मटेरियल रिप्लेसमेंट वैल्यू 2,250, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस देखिए, डायरेक्ट वेजेस में डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए का तो बहुत सिंपल है
कि कितना लगेगा, 120 पर मैनडे, और डिपार्टमेंट ए में कितने मैनडे, 15 मैनडे, सो 120 इंटू 15, राइट। मॉडिफिकेशन को 15 मैनडेज लगेंगे डिपार्टमेंट ए में, और 1 मैनडे इज इक्वल टू 120, सो इट इज 1800। देन डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट बी कितना है, 25 मैनडेज, 25 मैनडेज, ठीक है, 25 मैनडेज लगेंगे, और एक मैनडे को कितने लगते हैं डिपार्टमेंट बी में, 100 रुपीज, ठीक है। 25 मैनडेज इंटू 100 तो कितना हो गया, 2500। और इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा, क्यों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा, बिकॉज डिपार्टमेंट बी इज अ बिजी डिपार्टमेंट, ठीक है। 3.2 रुपीज पर डायरेक्ट वेज का क्या लगता है इनको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो डायरेक्ट वेज कितना है, 2500 रुपीज, 2500 रुपीज और 3.2 रुपीज पर रुपी ऑफ डायरेक्ट वेज इनको लगता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सो 3.2 इंटू 2500, 8000, सो 8000 प्लस 2500 कितना, 10500, ठीक है। सो ये हो गया डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट ए के डिपार्टमेंट बी के। इसके अलावा क्या, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड के बारे में क्या लिखा है, 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस ऑफ बोथ द डिपार्टमेंट, सो 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस ऑफ बोथ द डिपार्टमेंट, 1800 प्लस 10500, राइट, 1800 प्लस 10500 इंटू 25% कितना आया, 1800, देखिए क्या लिखा हुआ है वेरिएबल ओवरहेड के बारे में, 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस इन ईच डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नहीं लेंगे, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लेंगे, राइट, क्या लेंगे हम देखते हैं, 1800 प्लस क्या लेंगे, 2500। ये मैंने आपको करके बताया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें इंक्लूड आपको नहीं करना है, 25% डायरेक्ट वेजेस का मतलब डायरेक्टली ये जो मैन डेज से इंटू किया है उसका 25%, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप नहीं लेंगे, राइट, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, राइट, 1800 प्लस 2500 इंटू 25% इट इज 1075। देन डिलीवरी कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट कितनी, 1350, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं, डिलीवरी कॉस्ट भी हो गए, ये हो गए सारे कॉस्ट, उसके बाद आगे देखते हैं हम, ये मटेरियल की इंफॉर्मेशन थी डिपार्टमेंट ए की डिपार्टमेंट बी की। सुपरविजरी ओवर टाइम पेबल फॉर मॉडिफिकेशन 1050, राइट, सुपरविजरी ओवर टाइम पेबल फॉर मॉडिफिकेशन कितना है, 1050, राइट। इसके बाद देखेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल डिवाइस, ये देखिए मैंने आपको बताया कि जो कंट्रोल डिवाइस यहां से निकाल के दूसरी जगह पे लगाया तो वहां पे कॉस्ट सेविंग हो गई 10,500 की, कॉस्ट सेविंग हुई 10,500 की, लेकिन उस कॉस्ट सेविंग के लिए 1 मैन डे स्पेंड किया डिपार्टमेंट ए में, तो वो एक्सपेंस माइनस करके नेट कॉस्ट सेविंग आपको निकालनी है, राइट, सेविंग्स ड्यू टू ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ कंट्रोल डिवाइस, ये क्या हो गया, वर्किंग नोट 1 में मैं बताती हूँ आपको इसका कैलकुलेशन, कितनी सेविंग हुई कंट्रोल डिवाइस के ऑल्टरनेटिव यूज से, ठीक है। प्राइस ऑफ मटे डिवाइस वेयर
कंट्रोल डिवाइस कैन बी यूज्ड, कंट्रोल डिवाइस जहाँ यूज हो सकता है उसका प्राइस कैन बी यूज्ड कितना 10,500। तो ये क्या हो गई, कॉस्ट सेविंग हो गई, ठीक है, ये रुपीज में ये कॉस्ट सेविंग हो गई माइनस वन मैन डे इन डिपार्टमेंट ए, ये क्या हो गए एक्सपेंस हो गए, एक्सपेंस कितना हो गया वन मैन डे इन डिपार्टमेंट ए, सो कितना 120। लेकिन इसमें क्या वेरिएबल ओवरहेड भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जहां जहां वन डायरेक्ट वेजेस लग रही है वहां वेरिएबल ओवरहेड भी लग रहे हैं, बिकॉज इट्स 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, सो 25% ऑफ 120 क्यों लगेगा मैम, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे। वो लगेंगे जब वो आवर्स लग जाएंगे डायरेक्ट वेजेस के, 10 घंटा अगर यहाँ पे काम हो गया तो वेरिएबल ओवरहेड खुद ही लग जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी ये वो जो भी वेरिएबल ओवरहेड है वो खुद ही लग जाएंगे, 25% इंटू 120 दैट इज 30। सो नेट कॉस्ट सेविंग्स कितनी 10,500 माइनस 150 कितना 10,350, राइट। सो कॉस्ट सेविंग्स ड्यू टू ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ कंट्रोल डिवाइस 10,350, राइट। नाउ ये पॉइंट भी हो गया, अभी आगे देखेंगे हम। इफ द कन्वर्शन इज नॉट कैरी, अगर कन्वर्शन कैरी आउट नहीं होता या मॉडिफिकेशन नहीं होता तो कुछ मटेरियल वहां यूज हो जाते हैं जहां मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 12,000 रुपए, ठीक है, और वहां पे उस मटेरियल को वहां फिट करने के लिए 2 मैन डेज लग जाते हैं डिपार्टमेंट ए में। कुछ मटेरियल एज ए स्क्रैप सेल हो जाते हैं 11,400 रुपए में और कुछ ड्रॉइंग सेल हो जाती है 1,500 रुपए में, राइट। अगर देखिए अगर ये मॉडिफिकेशन नहीं होता तो ये यहां यहां यूज होते, अब ये मॉडिफिकेशन हो गया तो वहां वो यूज नहीं हो पाए तो वो क्या हो गया लॉस हो गया, उतना हमारा लॉस हो गया। क्यों, अब भाई हम तो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना, तो वो चीज दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, आप कुछ एक कर रहे हैं तो कुछ एक का लॉस होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी, वो हम नहीं कर पा रहे। अगर आप ये कर रहे हैं तो मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया लॉस हो गया, मटेरियल जो 12,000 की जगह लगा सकते थे, ठीक है, उसके अलावा क्या 11,000 कितने में 11,400 में वो मटेरियल बाकी का बेच सकते थे, 1,500 रुपए में ड्राइंग बेच सकते थे, वो सब अब नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। नेट लॉस ऑन मटेरियल कॉस्ट सेविंग, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2। देखिए कहाँ कहाँ आपको लॉस हो गया, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो इसके वजह से क्या होगा लॉस ऑफ मटेरियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, मतलब यहां लग सकता था लॉस ऑफ मटेरियल कॉस्ट सेविंग ऑफ इक्विपमेंट, कितना 12,000 रुपए की जगह लग सकता था, 12,000 रुपए सेव हो सकते थे, लॉस ऑफ मटेरियल कॉस्ट सेविंग ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, 12,000 रुपए हमारे बच सकते थे। इसके अलावा क्या सकता हो सकता था, उसके अलावा थोड़े मटेरियल एज अ स्क्रैप बेच सकते थे, ड्राइंग बेच सकते थे, ठीक है, लेकिन ये जो कॉस्ट सेविंग 12,000 है इसमें क्या 2 मैन डे लगते, लेस एक्सपेंस ऑफ 2 मैन डे, 2 मैन डेज लगते इन डिपार्टमेंट ए, तो 120 × 2, 240, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड तो लगनी है, जहां डायरेक्ट वेजेस लग गए वहां वेरिएबल ओवरहेड लगने हैं, 25% × 240 मतलब 60। सो नेट सेविंग कितनी 12,000 माइनस 240 माइनस 60 कितनी नेट सेविंग्स 11,700 रुपीज, ठीक है। सो बेसिकली आप ये देखिए ये जो नेट लॉस ऑन मटेरियल कॉस्ट सेविंग है ये है 11,700, उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग मटेरियल, जो रिमेनिंग मटेरियल है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होगा स्क्रैप वाले का
11,400 और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ड्रॉइंग 1,500। ठीक है, बेसिकली आपको समझ आया कि रिलेवेंट कॉस्टिंग में आपने क्या क्या किया। देखिए, मिनिमम प्राइस आपको कोट करना है, तो सबसे पहले तो आपने बोला जो कॉस्ट लग गई उसका कोई मतलब नहीं है, जो कॉस्ट लगने वाली है उसका मतलब है, क्योंकि उस इक्विपमेंट को क्या करना है, ओरिजिनल कंडीशन में लाना है, क्योंकि ओरिजिनल कंडीशन में लाने के बाद न्यू कस्टमर क्या करेगा, कंट्रोल डिवाइस हटाएगा और कुछ मॉडिफिकेशन भी कराएगा, तो इतना कॉस्ट लगने वाला है। ओरिजिनल जो कॉस्ट लग गई है ऑलरेडी, उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है, वो संक कॉस्ट है। फिर हमने डायरेक्ट मटेरियल में ये बोला कि डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कुछ भी हो वो संक कॉस्ट है, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल एक ऐसी जगह यूज हो सकती है जहां 2250 है उस मटेरियल को खरीदने का आज का कॉस्ट। ठीक है, तो वो क्या हो गई डायरेक्ट मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो गई 2250। क्यों? क्योंकि अगर ये मॉडिफिकेशन में यूज नहीं होता तो 2250 हमारे बच जाते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आया, 2250 रुपीज का वो मटेरियल हमको खरीदना ही नहीं पड़ता, तो हमारे पॉकेट से तो 2250 गए मॉडिफिकेशन की वजह से। डायरेक्ट डिपार्टमेंट, ये नॉर्मल डिपार्टमेंट है, 15 मैन डेज लगे, 120 पर मैन डे, तो 1800। डिपार्टमेंट भी बिजी है और 25 मैन डेज लगे इनटू रुपीस 100 पर मैन डे, तो 2500। लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा 3.2 रुपीस पर रुपी ऑफ डायरेक्ट वेजेस, सो 3.2 इंटू 2500 पर रुपी ऑफ डायरेक्ट वेजेस 8000 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सो डिपार्टमेंट भी 10,500। वेरिएबल ओवरहेड 25% लगेंगे डायरेक्ट वेजेस के, पहले मैंने यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लिखा था प्लस करके, लेकिन फिर मैंने आपको बताया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐड नहीं होंगे, डायरेक्टली डिपार्टमेंट ए के डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट बी के डायरेक्ट वेजेस इंटू 25%। जहाँ डायरेक्ट वेजेस होगा वेरिएबल ओवरहेड खुद ब खुद वहाँ लग ही जाएगा। फिर डिलीवरी कॉस्ट लगा 1350, सुपरविजरी ओवर टाइम लगा 1050। ठीक है, मॉडिफिकेशन के लिए लग रहे हैं क्योंकि ये स्पेसिफिकली। फिर सेविंग ड्यू टू अल्टरनेट यूज ऑफ कंट्रोल डिवाइस, कंट्रोल डिवाइस का कुछ अल्टरनेटिव यूज है, वहाँ पे सेविंग हुई 10,350 की। आपने वर्किंग नोट में बताया कि बेसिकली जहाँ कंट्रोल डिवाइस यूज हो रहा था वो डिवाइस 10,500 रुपीज में आ जाता, लेकिन उसमें क्या लगे, वन मैन डे डिपार्टमेंट ए में लगे और वेरिएबल ओवरहेड 25% है डायरेक्ट वेजेस का, सो 120 का 25% ये तो लगेगा ही, जहाँ जहाँ डायरेक्ट वेजेस लग गए वेरिएबल ओवरहेड लगना ही है। तो जितनी कॉस्ट सेविंग हुई उसमें से एक्सपेंस माइनस किए तो नेट सेविंग आई 10,350, राइट। सो आपने लिख दिया 10,350। वेट अ मिनट, ये सारे पॉइंट्स हो गए, उसके बाद क्या बचा है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल डिवाइस भी हो गया कि अगर ये कन्वर्शन कैरी आउट नहीं होता तो क्या होता। वेट अ मिनट, राइट, अगर ये कन्वर्शन कैरी आउट नहीं होता तो क्या होता कि वो ओरिजिनल इक्विपमेंट में से क्या होता कि कुछ मटेरियल तो ऐसे जगह यूज हो जाते हैं जहां मटेरियल का कॉस्ट 12,000 है, कुछ मटेरियल 11,400 में बिक जाते और ड्रॉइंग बिक जाती 1500 में, लेकिन 12,000 जहां मटेरियल की कॉस्ट है वहां जब ये मटेरियल यूज होगा तो वहां टू मैन डे का वर्क लगेगा डिपार्टमेंट ए का, राइट। लेकिन मॉडिफिकेशन हो रहा है तो ये चीजें नहीं हो पाएगी, राइट, ये चीजें नहीं हो पाएगी, राइट, तो यहाँ इतना हमारा लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉडिफिकेशन हो रहा है, जैसे मैंने बोली कि ये जो मॉडिफिकेशन हो रहा है इस वजह से कंट्रोल डिवाइस यहाँ से निकल गया तो कहीं और यूज हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट सेविंग हो गई वहां हमारी। क्यों? क्योंकि कंट्रोल डिवाइस यहाँ से लिया और वहां लगा दिया, लेकिन अब ये मॉडिफिकेशन हो रहा है तो कुछ चीजें, वो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट है उसके मटेरियल बेच थोड़ी सकते हैं, मॉडिफिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो देखिए 12,000 रुपीस का लॉस होगा क्योंकि हम वहां पे इस इक्विपमेंट के मटेरियल को यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां पे क्या टू मैन डे एक्सपेंस भी लग गया, राइट, टू मैन डे का क्या लग गया, एक्सपेंस लग गया, वेरिएबल ओवरहेड लग गया 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो क्या आ गया नेट सेविंग 11,700, राइट, नेट सेविंग नहीं है, ये लॉस ऑफ नेट सेविंग है,
ठीक है, ये हमारी टोटल लॉस है नेट सेविंग का कितना, 11,700। इतना लॉस हो गया हमारा नेट सेविंग का, क्यों? क्योंकि हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। इसके अलावा क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग मटेरियल स्क्रैप 11,400, मॉडिफिकेशन हो रहा है तो ऑफकोर्स बेचेंगे नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ड्रॉइंग 1,500। अब आप देखिए इसका कैलकुलेशन, 29,700, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस प्लस 2,250 प्लस 1,800 प्लस 10,500 प्लस 1,075 प्लस 1,350 प्लस 1,050 प्लस सेविंग्स हो रही है, ठीक है, प्लस 1,350 प्लस 11,700 प्लस 11,400, वेट अ मिनट, एक मिनट, मैंने गलत कर दिया, प्लस कर दिया सारी चीजें। देखिए आपको मिनिमम प्राइस निकालना है, तो पहले आप निकालेंगे क्या क्या कॉस्ट लग गया, 29,700 प्लस 2,250 प्लस 1,800 प्लस 10,500 प्लस 1,075 प्लस 1,350 प्लस 1,050, ठीक है, प्लस नेट लॉस हो रहा है 11,700 प्लस 11,400 प्लस 1,500 और माइनस कर देंगे 1,350, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 61,975। मैम सिर्फ ये माइनस किया इन सब में से और बाकी सब प्लस किए, यस, क्योंकि बाकी सब क्या है, कॉस्ट इनकर्ड है। आप स्टार्टिंग से देखिए, ये कॉस्ट टू बी इनकर्ड है, डायरेक्ट वेज कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट वेज कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है, डिलीवरी कॉस्ट ऑफ कोर्स कॉस्ट है, सुपरविजरी ओवरटाइम पेबल कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे नेट लॉस जो हो रहा है, ठीक है, ये हमको लॉस हो रहा है तो ऑफ कोर्स हम न्यू कस्टमर से उसको रिकवर करेंगे, हम मॉडिफिकेशन नहीं करते न्यू कस्टमर के लिए, तो इतने इतने रुपए हमको ऑलरेडी मिलते लेकिन वो नहीं मिल रहे हैं, तो ठीक है वो हम रिकवर करेंगे, तो ऐड किया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने ऐड की वो रिमेनिंग मटेरियल की, क्योंकि हम मॉडिफिकेशन नहीं करते तो एज अ स्क्रैप उसको बेच देते। अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ ड्रॉइंग आपने ऐड की, क्योंकि अगर आप मॉडिफिकेशन नहीं करते तो ड्राइंग बेच देते और इतने रुपए मिलते, लेकिन सेविंग्स ड्यू टू अल्टरनेटिव यूज ऑफ कंट्रोल डिवाइस माइनस होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप मॉडिफिकेशन नहीं करते तो इतनी कॉस्ट आपको लग जाती, ठीक है, 10,350 आपके पॉकेट से चले जाते, इसलिए उसको माइनस कर दिया। ये सब कॉस्ट लग जाती लेकिन आप मॉडिफिकेशन किया आपने तो ये कॉस्ट क्या है, बच गए 10,350। आप मॉडिफिकेशन नहीं करते तो ये कॉस्ट आपको लगती, आपने मॉडिफिकेशन किया ये कॉस्ट आपको नहीं लगी, सेव हो गई तो वो माइनस, ठीक है। सो रुपीज 61,975 मिनिमम प्राइस टू बी कोटेड, कितना, 61,975, राइट। दिस इज अ इजी क्वेश्चन, लेकिन इसमें लॉजिक बहुत ज्यादा है हर जगह से कि अच्छा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो ये नहीं कर रहे इसलिए लॉस हुआ, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो ये कॉस्ट सेविंग हो रही है, तो ये माइनस करना है मिनिमम प्राइस में। देखिए जल्दी जल्दी में मैं कर रही थी, मैंने भी सारे ऐड कर दिए, लेकिन याद रखना है पहले ही यहाँ साइन लगा देना है माइनस, क्योंकि ये सेविंग्स हो रही है, ठीक है, ये सेविंग्स हो रही है तो ये माइनस हो जाएगा। मॉडिफिकेशन हुआ इसके वजह से 10,350 की कॉस्ट की सेविंग हुई और बाकी सब कॉस्ट हमारे लगे, ठीक है, और इन कॉस्ट का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो वो भी हम रिकवर करेंगे। मॉडिफिकेशन की वजह से हमारा लॉस हुआ हम न्यू कस्टमर से रिकवर करेंगे, लेकिन मॉडिफिकेशन की वजह से हमारी सेविंग हुई तो न्यू कस्टमर के प्राइस में से माइनस कर देंगे, राइट। सो दिस वॉज इट अ क्वेश्चन ऑन रेलेवेंट कॉस्टिंग, कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू अस, बाय बाय।